आकृति एंड मेरे चैनल आकृति ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं नानी के यहाँ आई हूँ, आज जस्ट सुबह ही आई हूँ 6:30 बजे। एंड आज हम लोग का प्लान बना हुआ है सबका, मामा मौसी लोग का मैहर जाने का। तो मेरे को मामा जी ने कॉल करके बुलवाया था एंड मम्मी पापा तो आए नहीं है, मौसी मौसा जी आए थे, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, तो मैं उनके साथ ही आ गई। और सुबह सुबह जस्ट 4 बजे उठी थी एंड फिर 6:30 बजे हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अभी सब नीचे रेडी हो रहे हैं, उसके बाद जब तैयार हो जाएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे। काफ़ी लोग जा रहे हैं वैसे मैहर। तो आज का मेरा ब्लॉग जो है वो माता रानी के यहाँ का है। MP में वैसे मैहर बहुत फेमस है, शारदा माता का मंदिर है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको करवाने वाली हूँ मैहर के शारदा माता मंदिर के दर्शन, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ सब तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और 3 गाड़ियाँ जा रही हैं हम लोग की, एक ये है, एक ये है एंड एक ये है। तो हम सब इन्हीं गाड़ियों में जा रहे हैं मैहर। तो फ्रेंड्स मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ एंड मेरे साथ बैठी मेरी न्यू मामी बैठी हुई है एंड पीछे मेरा भाई है द्वारिका एंड यहाँ पे है विनय, शक्ल मत छुपाओ एंड ये मेरी न्यू मामी है और उनकी भाभी बैठी हुई है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मैहर के लिए। ये है रीठी शहर, आपको मैं दिखा दूँ। पार्किंग की दिक्कत हो रही है इसलिए हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं। बहुत तेज़ गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है पीछे। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की पूरी, और हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी पीछे भी लाइन लगी हुई है। और तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं एंड हमको फ्रेंड्स जाना है वो ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा है मंदिर, वहीं पे जाना है। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना है हमको। तो अभी तो काफ़ी टाइम है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग पार्किंग के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मौसा जी आए हैं हमको पूछने कैसी हालत है। और बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत भीड़ भी है और आगे जाने नहीं मिल रहा है हमको। आगे जाने नहीं मिला, हम लोग बहुत देर से फंसे हुए हैं यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस हम यहाँ गाड़ी से उतर चुके हैं, जाम बहुत लंबा था, खड़े हुए हैं सब, परेशान हो गए हम लोग गर्मी से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग को जाना कहाँ है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि हमको जाना किधर पे। तो फ्रेंड्स ये सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है ये मंदिर है ऊपर, यहाँ जाना है हम लोग को। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो अभी हम लोग पार्किंग पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं। हम लोगों ने सब में यहाँ पे जय माता दी वाले बैंड लिए हैं, आदर्श विनय और द्वारिका घाटिया सबको दिए हैं हमने, मैंने खरीद के सबको दे दिए, सबने बांधे हुए हैं एंड मासी लोग के पास जा रहे हैं अभी हम लोग, उनकी गाड़ी आगे खड़ी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ का मेन मार्केट दिखा दूँ जो मंदिर जाते वक्त पड़ता है। यहाँ पर सारा सामान ऑलमोस्ट मिलता ही है, जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ भी ले सकते हैं। प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब दुकानें हैं। आपको मैंने मार्केट दिखाया है यहाँ का, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे एंड यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक शॉप में आई हुई हूँ और मैं यहाँ पे प्रसाद पैक करवा रही हूँ ऊपर चढ़ाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, इस शॉप में आई हुई हूँ मैं। तो यहाँ पर भैया प्रसाद पैक कर रहे हैं, तो मैं इनसे प्रसाद यहाँ पर पैक करवा रही हूँ जो मैं ऊपर चढ़ाऊँगी ऊपर। तो फ्रेंड्स मैंने ये प्रसाद ले लिया है एंड अब हम जाएंगे ऊपर। नानी लोग भी हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे पहले मिल लूँ, फिर हम लोग सब साथ में जाएंगे ऊपर। सो गाइस हमारी यात्रा तो शुरू हो चुकी है और हम लोग को बहुत
मतलब एक कितना टाइम लग सकता है ना पहुँचने में? काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और हम लोग को पैदल जा रहे हैं, हम लोग रोपवे से नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग को काफ़ी टाइम लगा और भीड़ भी बहुत है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं माता रानी के पास। तो फ्रेंड्स हमारी यात्रा है स्टार्ट हो चुकी है एंड इतनी भीड़ है यहाँ से हमको एक एक करके जाना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हमको जाना है सीधा सीधा। तो फ्रेंड्स हम लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी, एंड पता नहीं क्या हालत हो गया आज हम लोग की। गाइस हम लोग सीढ़ियों वाले रास्ते से तो आ गए हैं, अब हम फ्लैट वाले रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है, पसीने से बिल्कुल भीगे हुए हैं, बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पे। अब तो जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैहर में लगभग 950 सीढ़ियाँ ऐसी चढ़नी पड़ती हैं और ये रास्ता तो फ्लैट वाला नया ही है। वैसे ये कम्फर्टेबल है सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब होगी, यहाँ पर नॉर्मल चल रहे हैं तो अभी ठीक ही लग रहा है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से जा रहे थे, अभी तो यहाँ पे गेट खुला हुआ है तो हम लोग यहाँ रोड पे आ गए क्योंकि गर्मी लग रही थी, एंड यहाँ से आप देखिए एंड देखिए कितना सुंदर व्यू है, यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत ऊंचे में है ये पहाड़ एंड आप देख सकते हैं पूरे में यहाँ पे कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, पहाड़ है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। मतलब यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से जाना है अंदर, अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है दर्शन के लिए, बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी है और लोग ऐसे सट सट के सब खड़े हुए हैं, पता नहीं कैसे दर्शन मिल पाएंगे, टाइम ही लगना है यहाँ तो। बाकी भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं दर्शन के लिए, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं आगे मंदिर की ओर, भीड़ में तो हमको जाना ही पड़ेगा, देख सकते हैं आगे तक कितनी भीड़ लगी हुई है, बट क्या करें, जाना तो है ही है दर्शन करने, तो चलिए चलते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ही लगेगा वैसे तो। जय माता दी, जय माता दी। इनकी बहुत मस्ती चल रही है भाई, सुन लो इनको भी सुन लो, बोलो अब बोलो, नहीं अब नहीं बोलेंगे, इतने से जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ उतने वक्त इनको बोलना रहता है। आराम से क्या बोलना पड़ेगा, बोलिए फ्रेंड्स, ये आखिरी आखिरी मेरा नाम आकृति है, यही वो लड़की जो विमल गुप्ता बेचती है और यही है जो खरीदते हैं हमसे आके। तो फ्रेंड्स हम लोग अब इस रास्ते से जाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, अब हमको यहीं घुसना पड़ेगा अंदर जाके, धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तब जाके हम पहुँचेंगे माता रानी के दरबार में। अभी तो आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है सामने, तो एक फंसी हुई थी मैं तो यहाँ से पार करके इस साइड आ गई हूँ क्योंकि ये पूरा जो सीढ़ियाँ हैं पूरी खाली हैं, आप देख सकते हो पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है एंड आगे भी ऊपर जाने के लिए पीछे तक है, यहाँ तक भीड़ है, अभी और आगे भीड़ है बहुत ज़्यादा। फंसे हुए थे हम लोग तो हम तो यहाँ से पार करके यहाँ पर आ गए हैं एंड जब जगह खाली मिल जाएगी तो फिर यहाँ से रिटर्न चले जाएँगे, फिलहाल तो थोड़ी राहत है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। Thank you.
बहुत टाइम लग जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, मतलब जगह ही नहीं है इंसानों खड़े होने की। लगभग 500 के ऊपर इंसान यहाँ पे होंगे जो ऐसे भीड़ में खड़े हुए हैं और यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम अंदर आ चुके हैं पीछे वाले गेट से और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर, जो जिस मंदिर के मैं आपको दर्शन करवाने आई हूँ माता जी के। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। कैसे कैसे हम लोग आए हैं हम ही जानते हैं, हमारी फैमिली तो पीछे रह गया, हम लोग भाई लोग के साथ जल्दी जल्दी आगे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स हमें जिस मंदिर में आना था ये रहा वो शारदा माता का मंदिर। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, हमें वहाँ से जाना है। एंड आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लग हुई है, कितने इंसान की वहाँ पे जगह नहीं है, सब बिल्कुल एक को एक धक्का देके वो जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। एंड नीचे भी बहुत से लोग हैं जो अभी आते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अरे क्या बाबू था ना, मैंने आपको जो अभी रास्ता दिखाया मंदिर के अंदर जाने का वो पीछे साइड का है, क्योंकि कुछ लोग रोपवे से आते हैं जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है तो वो रोपवे से भी आ सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। और इस साइड में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे व्यू देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू मिलता है यहाँ से, क्योंकि पहाड़ बहुत ही ऊपर है। एंड फ्रेंड्स हम जाएंगे अब फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देख सकते हैं आप दोनों साइड से रास्ते हैं, बैक साइड एंड फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड से आप जो सीढ़ी से चढ़ के आते हैं व्यक्ति वो उनके लिए है, एंड बैक साइड से जो रोपवे से चढ़ के आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आपको फ्रंट साइड से अगर माता रानी को दिखा पाए तो ठीक है, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं है, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से दर्शन मिलते हैं माता जी के, थोड़ा सा ही दिख रही है वहाँ क्योंकि पंडित जी बैठे हैं। एंड यहाँ किसी को 5 सेकंड तक को खड़े होने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं प्रसाद चढ़ाओ बस निकलते बनो, पंडित जी भी भगा रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स मैंने तो दर्शन कर लिए हैं और अंदर ना फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। एंड वहाँ पे जो अंकल लोग खड़े हुए हैं तो उनने मेरा फ़ोन ले लिया था, खींच लिया था, अपने पास रखे हुए थे। एंड अंदर का वीडियो नहीं बन पाया, मैंने थोड़ा सा बाहर से बनाया हुआ है, बहुत डांट खाई मैंने वीडियो बनाते वक्त और फ़ोन चला गया था, मेरे को लग रहा था अब तो मिलेगा नहीं, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, बट फाइनली मेरे को फ़ोन मिल गया। एंड बहुत अच्छे से दर्शन हुए मेरे को एंड बहुत अच्छा लगा, काफ़ी साल बाद आए हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए, प्रसाद वसाद सब चढ़ाया। आपने तो देख ही लिया है कितनी भीड़ होती है इस मंदिर में, मीन्स अभी नवरात्रि का टाइम भी नहीं है फिर भी इतनी भीड़ है यहाँ पे। एंड हर वक्त यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, किसी भी दिन आ जाए, स्पेशली आज तो संडे था तो फ्री टाइम पे लोग दर्शन करने के लिए आए थे, इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी। एंड कैसी लगी आपको माता जी, इतनी परफेक्ट तो दिख नहीं पाई, एंड मंदिर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, कल फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।